प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? जिन जिन लोगों ने शक्ति को खत्म करने का काम किया है वो इतिहास में दर्ज है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस इन इंडिया अलायंस कमीशन के लिए काम कर रही है, बीजेपी मिशन के लिए काम करती है। बीजेपी ने 10 साल पूरी ताकत से काम किया है। हम चाहते हैं कि 100% योजना लागू हो, लाभार्थियों को हक की चीज मिले। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे विरोधी सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। मैं देश का पहला ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष केवल इतिहास चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की सीटें 400 से कम की जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में यूरिया का एक बोरा 3,000 रुपए में मिलता है। हमारे यहाँ किसानों को यूरिया का ये बोरा 300 रुपए से भी कम में मिलता है। मोदी सरकार में किसानों को फायदा हुआ। पीएम मोदी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सभी अपना रिकॉर्ड तोड़े और पिछली बार से ज्यादा वोट दें। हमारा ये स्थान मां शक्ति का स्थान है। हमारा ये स्थान मां शक्ति की साधना का स्थान है और हिंदुस्तान के हर कोने में शक्ति की उपासना ये हमारी स्वाभाविक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। हम वो देश हैं जो कभी भी शक्ति उपासना को नकारते नहीं है, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि इंडी अलायंस के लोग खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। क्या कोई शक्ति को खत्म कर सकता है? क्या शक्ति के सामर्थ्य को चुनौती दे सकता है? क्या और जिन जिन लोगों ने शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया है उन सब का क्या हाल हुआ है वो इतिहास में पुराणों में अंकित है। साथियों, 10 वर्ष पहले मैं चुनावी जनसभा के लिए सहारनपुर आया था और याद कीजिए 2014 के वो दिन, उस समय देश घोर निराशा घोर संकट के दौर से गुजर रहा था और तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि देश झुकने नहीं दूंगा, देश रुकने नहीं दूंगा। मैंने संकल्प लिया था कि आपके आशीर्वाद से हर स्थिति को बदलूंगा, हर परिस्थिति को बदलूंगा, निराशा को आशा में बदलूंगा, आशा को विश्वास में बदलूंगा। आपने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रखी और मोदी ने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। याद कीजिए, तब हमारा भारत दुनिया में 11वें नंबर की आर्थिक ताकत था। मोदी ने सिर्फ 10 साल में
भारत को दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बना दिया है। तब कांग्रेस सरकार ने भारत की छवि कमजोर देश, भ्रष्ट देश ऐसी ही बना के रख दी थी। आज बीजेपी सरकार ने भारत की छवि मजबूत और तेजी से विकसित होते देश की बना दी है। बनी है कि नहीं बनी है? पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में भी भारत का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी भारत का डंका बज रहा है, अफ्रीका में भी भारत का डंका बज रहा है, सारी दुनिया में देश का डंका बज रहा है ना।